नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको मालूम है कि आने वाली 30 नवंबर से क्लास 10th और क्लास 12th का जो टर्म वन एग्जाम है वो शुरू होने वाला है, और बच्चों को इस बात की बहुत चिंता थी कि अगर मैथ का पेपर है, साइंस का पेपर है, अकाउंट्स का पेपर है, तो इन पेपरों में जो रफ वर्क का काम होता है, जहां पर बच्चे को कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको उनको करके देखना पड़ता है रफ में, तो वो रफ वर्क कहाँ करेंगे, क्योंकि पेपर में इतनी जगह होती नहीं है और जो कॉपी तो उनको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि इस बार तो ओएमआर शीट है, उसी पे बच्चों को अपने आंसर को टिक करना है या सर्कल करना है। तो आखिर वो बच्चे अपना रफ वर्क कहाँ पर करेंगे, इस बात को लेकर बच्चों के मन में बहुत सी चिंता थी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने अब क्या किया है कि बच्चों को A4 साइज शीट जो होती है, A4 साइज की जो शीट होती है पेपर शीट, वो बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन वो शीट जो है वो ऐसी नॉर्मल शीट नहीं होगी, वो ऑफिशियल शीट होगी और उस शीट का रिकॉर्ड भी रहेगा, रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा, जो इन्विजिलेटर है उनको रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा कि किस बच्चे ने कितनी शीट या कौन से नंबर की शीट ली है, ताकि पता कर सके कि हाँ इस बच्चे ने ये शीट ली है, उस ताकि कोई एक दूसरे की नकल ना कर सके। तो अगर आपको जरूरत पड़े, आप अगर मैथ का पेपर दे रहे हैं या साइंस का पेपर दे रहे हैं या फिर अकाउंट्स का पेपर दे रहे हैं, कोई से भी ऐसा पेपर दे रहे हैं जिसमें आपको अगर रफ वर्क की जरूरत पड़ती है, तो आप बेहिचक वो शीट ले सकते हैं और अपना रफ वर्क कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो रफ वर्क वाली जो शीट है वो आपको वापस सबमिट करनी है। तो आपको उस शीट को अच्छे से यूज करना है, जितनी भी बार उसको यूज करना कर सकते हैं, आप जितनी भी चाहे शीट ले सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़ती है तो, और किसी भी सब्जेक्ट में आप ले सकते हैं। वैसे भी आप उन्हीं सब्जेक्ट में लेंगे जिसमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, तो आप जितनी आपको नीड हो उतनी शीट आप ले सकते हैं। तो यही एक खास न्यूज़ थी जो मुझे आपको देनी थी। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।